हेलो डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करते हैं अच्छे होंगे। प्रदीप फार्मा यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज के इस वीडियो लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे मेट्रोलॉजी, जो कि फार्मास्यूटिक्स का चैप्टर है और यह चैप्टर बहुत ही इम्पोर्टेंट है जीपैट एग्ज़ाम के लिए, एग्ज़िट एग्ज़ाम के लिए और जो अभी UP NHM के थ्रू फार्मासिस्ट की वैकेंसी निकली है उसके लिए तो और भी इम्पोर्टेंट है। उन्होंने फार्मास्यूटिक्स के चैप्टर में यह चैप्टर मेंशन किया हुआ है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है आपका, मेट्रोलॉजी इज, फर्स्ट ऑप्शन द साइंस ऑफ वेट एंड मेजर्स, सेकंड ऑप्शन द स्टडी ऑफ यूनिट्स ऑफ मेजरमेंट, थर्ड ऑप्शन बोथ ए एंड बी, फोर्थ ऑप्शन नन। इसमें से कौन सा आंसर सही है? आंसर सी इज करेक्ट आंसर। ये क्वेश्चन सीधे डेफिनेशन बेस्ड क्वेश्चन है। मेट्रोलॉजी का डेफिनेशन ही होता है, मेट्रोलॉजी इज द साइंस ऑफ वेट एंड मेजरमेंट्स, RORR, द स्टडी ऑफ यूनिट ऑफ मेजरमेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन अवार्डोपोइ सिस्टम द स्टैंडर्ड यूनिट फॉर वेइंग इज, फर्स्ट ऑप्शन आपका पाउंड, सेकेंड ऑप्शन ग्रेन, थर्ड ऑप्शन गैलन, फोर्थ ऑप्शन नन। जब मैंने मेट्रोलॉजी पढ़ाया था तो उसमें एम्पेरिकल सिस्टम में दो सिस्टम बताए थे मैंने आपको, अवार्डोपोइ सिस्टम और एपोथिक्रीज सिस्टम। तो अवार्डोपोइ सिस्टम में जो स्टैंडर्ड यूनिट था वेट का मेजरमेंट का, वो क्या था आपका? पाउंड। मींस अवार्डोपोइ सिस्टम में जो वेट हम करते थे वो किस में करते थे? पाउंड में, और एपोथिक्रीज सिस्टम में ग्रेन में। तो यहाँ पर जो आंसर ए है वो करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन एपोथिकरीज सिस्टम द स्टैंडर्ड यूनिट फॉर बेइंग इज, फर्स्ट ऑप्शन है आपका पाउंड, सेकंड ऑप्शन ग्रेन, थर्ड ऑप्शन गैलन, फोर्थ ऑप्शन नन। तो अभी मैंने बताया आपको कि एपोथिकरीज सिस्टम में जो वेट का यूनिट होता है वो क्या होता है आपका? ग्रेन। तो आंसर बी इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज आल्सो नोन एज ट्रॉय सिस्टम, ऑप्शन ए है आपका मेट्रिक सिस्टम, सेकंड ऑप्शन अवार्डोपोइ सिस्टम, थर्ड ऑप्शन एपोथिकरीज सिस्टम, फोर्थ ऑप्शन नन। तो इसमें से जो करेक्ट आंसर है वो क्या आपका? एपोथिकरीज सिस्टम। एपोथिकरीज सिस्टम को ही ट्रॉय सिस्टम कहा जाता है। तो आंसर सी इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द स्टैंडर्ड यूनिट ऑफ कैपेसिटी फॉर अवार्डोपोइ सिस्टम एंड एपोथिकरीज सिस्टम। क्वेश्चन में क्या पूछा गया है? जो अवार्डोपोइ सिस्टम है और एपोथिकरीज सिस्टम है, इसमें जो लिक्विड का मेजरमेंट होता है वो उसकी यूनिट क्या है? जो इसमें करेक्ट आंसर है वो आंसर सी, दैट इज गैलन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज्ड इन द इंडियन फार्माकोपिया फॉर द मेजरमेंट ऑफ वेट एंड कैपेसिटी, फर्स्ट ऑप्शन है मेट्रिक सिस्टम, सेकंड ऑप्शन अवार्डोपोइ सिस्टम, थर्ड ऑप्शन एपोथिकरीज सिस्टम, फोर्थ ऑप्शन नन। इंडियन फार्माकोपिया में कौन सा सिस्टम यूज़ किया जाता है, मीन्स कौन से सिस्टम के बेस पे जो वेट का मेजरमेंट है वह इंडियन फार्माकोपिया में इंक्लूड किया गया है? तो इसमें से जो करेक्ट आंसर है वो क्या आपका? मेट्रिक सिस्टम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन मेट्रिक सिस्टम द स्टैंडर्ड यूनिट फॉर मेजरमेंट ऑफ वेट इज, फर्स्ट ऑप्शन पाउंड, सेकंड ऑप्शन ग्रेन, थर्ड ऑप्शन किलोग्राम, फोर्थ ऑप्शन नन। तो मेट्रिक सिस्टम में जो वेट का मेजरमेंट होता है उसकी यूनिट क्या है? किलोग्राम। तो आंसर सी इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन मेट्रिक सिस्टम द स्टैंडर्ड यूनिट फॉर मेजरमेंट ऑफ कैपेसिटी इज, मीन्स जो मेट्रिक सिस्टम है उसमें लिक्विड को मेजर करने की यूनिट क्या है? तो ऑप्शन ए है आपका पाउंड, ऑप्शन बी लीटर, ऑप्शन सी किलोग्राम, ऑप्शन डी नन। तो इसमें से जो करेक्ट आंसर है वो क्या आपका? आंसर बी, दैट इज लीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1 किलोग्राम इज इक्वल टू, यह बहुत ही आसान क्वेश्चन है, तो इनका इसका आंसर बताइए आप लोग।
फर्स्ट ऑप्शन है 2.2 पाउंड, सेकेंड ऑप्शन 1000 ग्राम, थर्ड ऑप्शन बोथ ए एंड बी, फोर्थ ऑप्शन नन। तो ये सभी को पता होगा कि 1 किलोग्राम इज इक्वल टू 1000 ग्राम, बट 1 किलोग्राम इज आल्सो इज इक्वल टू 2.2 पाउंड। तो इसमें से जो सी आंसर है वो क्या है, करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1 ड्रॉप इज इक्वल टू, के ऑप्शन है फर्स्ट 2 ml, सेकेंड 0.06 ml, सी 1 ml, डी नन। इसमें से जो करेक्ट आंसर है वो क्या आपका 0.06 ml। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1 टी स्पून फुल मीन्स, फर्स्ट ऑप्शन आपका 4 ml, सेकेंड ऑप्शन 10 ml, थर्ड ऑप्शन 15 ml, फोर्थ ऑप्शन नन। 1 टी स्पून फुल का मतलब क्या होता है, कितने ml के इक्विवेलेंट होता है वो? तो ये होता है आपका 4 ml के इक्विवेलेंट। कहीं कहीं 5 ml विधि दिया हुआ है, तो 4 और 5 आपके ऑप्शन में है, तो उसको टिक करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1 टेबल स्पून फुल मीन्स, ऑप्शन है आपका 15 ml, सेकेंड ऑप्शन 10 ml, थर्ड ऑप्शन 20 ml, फोर्थ ऑप्शन नन। तो 1 टेबल स्पून फुल कितना होता है आपका, 15 ml। मीन्स ऑप्शन ए इज करेक्ट आंसर। ये ध्यान रखिएगा, 1 टी स्पून फुल मीन्स 4 ml एंड 1 टेबल स्पून फुल मीन्स 15 ml। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, 1 टी कप फुल मीन्स, जिसमें हम चाय पीते हैं नॉर्मली, उस कप का वॉल्यूम क्या होता है? फर्स्ट ऑप्शन है आपका 150 ml, सेकेंड ऑप्शन 120 ml, थर्ड ऑप्शन 200 ml, फोर्थ ऑप्शन नन। तो इसमें से जो करेक्ट आंसर है वो क्या आपका, बी 120 ml। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द कंसंट्रेशन ऑफ सोडियम क्लोराइड विच इज आइसोटॉनिक टू ब्लड इज, फर्स्ट ऑप्शन है आपका 9% वेट बाई वॉल्यूम, सेकेंड ऑप्शन 0.09% वेट बाई वॉल्यूम। यहाँ पे वेट बाई वॉल्यूम ही लिखा हुआ है, इसमें डबल स्लैश लग गया है, इसको वेट बाई वॉल्यूम ही समझिएगा। थर्ड ऑप्शन है 10% वेट बाई वॉल्यूम, फोर्थ ऑप्शन नन। यह क्वेश्चन बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, यह क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है। आप यह ध्यान रखिएगा कि 0.09% वेट बाई वॉल्यूम सोडियम क्लोराइड सोल्यूशन ब्लड सेल या जो हमारा बॉडी का सेल है उसके इक्विवेलेंट होता है। इसमें से जो करेक्ट आंसर है वो क्या आपका, आंसर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अ सॉल्यूशन दैट हैज़ द सेम साल्ट कंसंट्रेशन एज सेल एंड ब्लड इज नोन एज, यह भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। फर्स्ट ऑप्शन है आपका आइसोटॉनिक सॉल्यूशन, सेकेंड ऑप्शन हाइपोटॉनिक सॉल्यूशन, थर्ड ऑप्शन हाइपरटॉनिक सॉल्यूशन, फोर्थ ऑप्शन नन। तो इसमें से कौन सा आंसर सही है? तो आंसर ए इज करेक्ट आंसर, दैट इज आइसोटॉनिक सॉल्यूशन। तो आइसोटॉनिक सॉल्यूशन क्या होता है? आइसोटॉनिक सॉल्यूशन वह सॉल्यूशन होता है जिसमें साल्ट का कंसंट्रेशन हमारे बॉडी का जो ब्लड है या ब्लड सेल है उसके कंसंट्रेशन के बराबर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अ सॉल्यूशन दैट हैज द ग्रेटर साल्ट कंसंट्रेशन एज सेल एंड ब्लड इज नोन एज, इसमें क्या पूछा गया है? अगर कंसंट्रेशन ब्लड सेल से ज़्यादा है तो क्या कहेंगे उसको? ऑप्शन है आपके आइसोटॉनिक सॉल्यूशन, बी ऑप्शन हाइपोटॉनिक सॉल्यूशन, थर्ड ऑप्शन हाइपरटॉनिक सॉल्यूशन एंड डी ऑप्शन नन। अगर ज़्यादा है तो वो क्या हो जाएगा, हाइपरटॉनिक सॉल्यूशन। मीन्स सी ऑप्शन इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अ सॉल्यूशन दैट हैज द लेस साल्ट कंसंट्रेशन एज सेल एंड ब्लड इज नोन एज, फर्स्ट ऑप्शन आइसोटॉनिक सॉल्यूशन, सेकेंड ऑप्शन हाइपोटॉनिक सॉल्यूशन, थर्ड ऑप्शन हाइपरटॉनिक सॉल्यूशन, फोर्थ ऑप्शन नन। अगर लेस साल्ट कंसंट्रेशन है तो क्या हो जाएगा वो, हाइपोटॉनिक सॉल्यूशन। ये तीनों टर्म्स बहुत कंफ्यूजिंग है, इसको बहुत ध्यान से पढ़िएगा। सेम कंसंट्रेशन रहेगा तो आइसोटॉनिक होगा, ज़्यादा कंसंट्रेशन होगा तो हाइपरटॉनिक होगा, अगर कम कंसंट्रेशन होगा तो हाइपोटॉनिक होगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ अ सेल दैट इज आरबीसी इज प्लेस्ड इन एन आइसोटोनिक सॉल्यूशन देन इट विल। फर्स्ट ऑप्शन है आपका नाइदर श्रिंक नॉर स्वेल, बी ऑप्शन श्रिंक, सी ऑप्शन स्वेल, डी ऑप्शन नन। क्वेश्चन में क्या पूछा गया, एक आरबीसी सेल है जिसको आइसोटोनिक सॉल्यूशन में रखा गया है। आइसोटोनिक सॉल्यूशन में रखा गया है इसका मतलब क्या हुआ, सेम कंसंट्रेशन है बाहर का भी और अंदर का भी, तो क्या होगा, वाटर का मूवमेंट दोनों तरफ होगा और जो आरबीसी का सेल है उसके साइज़ में कोई इफ़ेक्ट नहीं होगा। तो इसमें से जो करेक्ट आंसर है वो क्या आपका ए, नाइदर श्रिंक नॉर स्वेल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ़ अ सेल दैट इज़ आरबीसी इज़ प्लेस्ड इन हाइपोटोनिक सॉल्यूशन देन इट विल। फर्स्ट ऑप्शन नाइदर श्रिंक नॉर स्वेल, सेकंड ऑप्शन श्रिंक, थर्ड ऑप्शन स्वेल, फोर्थ ऑप्शन नन। अगर आरबीसी को हाइपोटोनिक सॉल्यूशन में रख दिया जाए तो उसमें क्या होगा, बाहर से वाटर आरबीसी के अंदर चला जाएगा जिससे क्या होगा, आरबीसी का साइज़ बढ़ जाएगा तो क्या होगा, वो स्वेल कर जाएगा। तो इसमें से जो करेक्ट आंसर है वो क्या है आपका आंसर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ़ अ सेल दैट इज़ आरबीसी इज़ प्लेस्ड इन द हाइपरटोनिक सॉल्यूशन देन इट विल। फर्स्ट ऑप्शन नाइदर श्रिंक नॉर स्वेल, सेकंड ऑप्शन श्रिंक, थर्ड ऑप्शन स्वेल, फोर्थ ऑप्शन नन। अगर आरबीसी को हाइपरटोनिक सॉल्यूशन में रख दिया जाए तो क्या होगा, हाइपरटोनिक सॉल्यूशन में रखेंगे तो जो आरबीसी के अंदर का वाटर है वो क्या हो जाएगा, बाहर आ जाएगा, तो आरबीसी की साइज़ क्या होगी, छोटी हो जाएगी, इसका मतलब क्या होगा, वो श्रिंक हो जाएगा। इट मीन्स आंसर बी इज़ करेक्ट आंसर। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और बहुत कन्फ्यूजिंग है, इस चीज़ का ध्यान रखना आपको, अगर आइसोटोनिक सॉल्यूशन में आरबीसी को रखा गया तो उस पर कोई इफेक्ट नहीं होगा, अगर हाइपोटोनिक में रखा गया है तो वो स्वेल कर जाएगा, अगर हाइपरटोनिक में रखा गया है तो वो श्रिंक कर जाएगा। ये तो रहे कुछ मोस्ट इम्पॉर्टेंट एमसीक्यू क्वेश्चंस फ्रॉम द टॉपिक मेट्रोलॉजी। होप आपको यह वीडियो अच्छा लगा होगा और जो क्वेश्चन मैंने डिस्कस किया है, आपको समझाने की कोशिश की है, वो आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।